हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। छात्र से मोबाइल लूट की वारदात खुली। जोधपुर में गोल बिल्डिंग रोड पर 15 अगस्त को छात्र से मोबाइल लूट के एक आरोपी को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया। वह हत्या के एक मामले में जेल में 3 साल रह चुका है। वारदात में शरीक उसके एक अन्य साथी की तलाश जारी है। उससे लूट के अन्य वारदातों के बारे में पता लगाने के प्रयास जारी है। आरोपियों की फोटो सीसीटीवी कैमरों में आने पर गाड़ी नंबर से ट्रेस कर लिए गए थे। पुलिस आयुक्त आलोक वशिष्ठ ने बताया कि 15 अगस्त को गोल बिल्डिंग रोड पर छात्र ओसिया के डाबड़ी निवासी मूलाराम पुत्र मेहराराम जाट से मोबाइल की लूट हुई थी। मोबाइल पर बात करते जाते समय बाइक सवार दो युवक उसका मोबाइल लूट कर ले गए थे। इस बारे में सरदारपुरा पुलिस थाने में लूट का मामला दर्ज किया गया। इस पर थानाधिकारी कैलाश पारेख के नेतृत्व में टीम का गठन कर एसआई दिनेश कुमार, हेड कांस्टेबल प्रकाश, कांस्टेबल मघाराम आदि ने अथक प्रयास के बाद आज एक आरोपी नाथों की बगेची सिवाची गेट निवासी यासीन पुत्र मरहूम मोहम्मद सदी को गिरफ्तार किया। उससे अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ की जा रही है। फिलहाल उसने सरदारपुरा लूट की वारदात को स्वीकार किया है। उसके अन्य साथी की तलाश जारी है। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।